एक परिवार को भी सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी। अब आखिर में हम कहां पे जाएं? 500 परिवार से ज्यादा लोग जंगलों में रह रहे और शिवराज जी ने आज तक वहां पर जाकर के देखा नहीं है। ऐसे प्रश्न मैं मुख्यमंत्री की निंदा करता हूँ। पुलिस वालों ने मेरे को मारा धोखी करी और उस बात को जब मैंने अध्यक्ष जी को बताने के लिए आया कि मेरे साथ में इस प्रकार घटना घटी तो एक विधायक उमा शंकर जी मेरे को धक्का मुक्की करने आए, मारने आए। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिव देख रहे हैं। देखिए, भाजपा लगातार लाख दावे कर ले कि उसके शासित प्रदेशों में आदिवासी और दलित समाज के लोग सुरक्षित हैं, तो ये दावे अब कहीं ना कहीं झूठे साबित नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से एक आदिवासी समाज के जो विधायक हैं वो भाजपा शासित प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ के लोगों का क्या होगा। देखिए कि किस तरीके से एक विधायक जनप्रतिनिधि फूट फूट कर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं और भाजपा के जो विधायक हैं वो मेरे धक्का मुक्की कर रहे हैं, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है स्पीकर से। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे देश भर से ये खबरें निकल के लगातार आ रही है कि लगातार दलित समाज के साथ भाजपा शासित प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, तो अब उनके शासित प्रदेश में विधायक तक सुरक्षित नहीं है। ये वीडियो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश वही मध्य प्रदेश जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की सरकार चल रही है। शिवराज सिंह चौहान लगातार दावे कर रहे हैं कि आदिवासियों के लिए और दलितों के लिए अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन उसी समाज के आने वाले विधायक के साथ उनकी पुलिस किस तरीके से मारपीट करती है और उनसे मिलने तक नहीं दिया जाता है, स्पीकर से मिलने नहीं दिया जाता है। आप देखिए कि एक जनप्रतिनिधि किस तरीके से मीडिया के सामने फूट फूट करके रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए लोग लगे हुए, उनके आंसू उनके बगल में जो खड़े लोग हैं वो गमछे से पोंछ रहे हैं, उनको चुप कराने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके दर्द को समझिए कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से उनको उनकी बातों को दबाने की प्रयास की जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के तीसरे दिन जब कांग्रेस के विधायक तमाम गेट नंबर 3 पर बैठ करके आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग को रख रहे थे, उसी दौरान उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी हुई और उसके बाद मीडिया के सामने आते हैं जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक है पंचीलाल मेड़ा, वो बोलते हैं कि हमारे साथ जब कलम मिलने की प्रयास कर रहे थे, जब स्पीकर से मिलने जा रहे थे, तब हमारे साथ पुलिस वालों ने मारपीट किया और जब हम इसकी शिकायत कर रहे थे स्पीकर से, तब विधायक हैं भाजपा के उमाकांत, उन्होंने भी इनके साथ धक्का मुक्की किया। पहले आप वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे साथ में जो कल घटना हुई, मैं कल मेरे क्षेत्र का कारम डैम का 304 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उस घोटाले को मैं उजागर करने के लिए विधानसभा में मैं अध्यक्ष के पास जा रहा था। उस समय गेट पे पुलिस वालों ने मेरे को मारा धोखी करी और उस बात को जब मैंने अध्यक्ष जी को बताने के लिए आया कि मेरे साथ में इस प्रकार घटना घटी तो एक विधायक उमा शंकर जी मेरे को धक्का मुक्की करने आए, मारने आए और मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि साथी मेरा क्षेत्र का मामला, क्या मैं ये मेरे मामले को नहीं उठाऊंगा? वहां के लोगों के साथ में जो पुनर्वास देना था उनको पुनर्वास नहीं दिया गया, डैम में जो किसान आ रहे थे उनको पुनर्वास नहीं दिया गया, आज जंगलों में वो लोग टापरियां बना बना कर रहे, 500 परिवार से ज्यादा, एक परिवार को भी सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी। अब आखिर में अब कहां पे जाए? 500 परिवार से ज्यादा लोग जंगलों में रह रहे और शिवराज जी ने आज तक वहां पर जाकर के देखा नहीं है। ऐसे प्रश्न मैं मुख्यमंत्री की निंदा करता हूँ। आज हमारे अब आखिर में हम विधानसभा में के अलावा हम कहां पे जाएं? विधानसभा में आज उन लोगों ने मुझे चुन के भेजा है उनकी आवाज को उठाने के लिए, मैं उनके अधिकार की बात करने जा रहा था। आज जंगलों में एक साजिश के तहत एक विधायक को उन्होंने भेजा और मेरे साथ में हमला किया। क्या मैं मुझे उनको माननीय अध्यक्ष जी को बताने का अधिकार नहीं, मुझे गृह मंत्री जी को अधिकार नहीं बताने का? इस बीच में वो सुरक्षा मुहैया कराए, सुरक्षा मुहैया क्या किया उसके साथ? तो सुरक्षा मुहैया मांग रहा हो हमारे साथ में जो घटना घट रही, मुझे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस विधायक को नहीं, मेरे साथ जानलेवा हमला करने के लिए आया। मैं आरोप लगाता हूँ कि ये जो सुरक्षा की मांग कर रहा झूठा ढोंगी आदमी, मुझे सुरक्षा चाहिए ना, तो मेरे से जो सुरक्षा है वो भी ले ली जाए, मैं मरने के लिए तैयार आदिवासी किसान भाइयों के लिए और मैं पूरे
विधानसभा के लोगों की सेवा करने के लिए मुझे चुना है, तो मैं आवाज उठाऊंगा। ये आवाज को कभी रोक नहीं सकते। आज अगर ये यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो हम राज्यपाल के पास भी जाएंगे, राज्यपाल जी को भी हम मेरी बातों से अवगत कराऊंगा। क्या हमारे आदिवासियों को वो मकान नहीं दिया जाना चाहिए? उनकी जमीन छीन गई, आज जंगलों में रह रहे फॉरेस्ट वाले भी उनको भगा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत हमारा क्षेत्र दहशत में है। शिवराज जी आज तक वहां पर नहीं गए, ये मैं बता। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ बदसलूकी की गई है और वो फूट फूट कर रो रहे हैं। समाज के सामने अगर आकर के ये मैसेज दे रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि होकर के सुरक्षित नहीं है भाजपा शासित प्रदेश में, तो आप सोचिए कि और जगहों पर और लोगों का क्या हाल है मध्य प्रदेश के अंदर। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक देख रहे वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।